हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ मुबीन। और आज जो है हम बताना चाहते हैं आपको कि सोशल डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है इस दौरान। अभी जो है काफ़ी पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का हम खौफ देख रहे हैं सभी में, और सभी आप लॉकडाउन हैं घरों में, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है ये आज मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि लॉकडाउन अभी होने की रिक्वायरमेंट हम लोगों को क्यों है। हम सभी ने MLM कंपनी जो होती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसके बारे में हम सब जानते हैं लगभग। तो मैंने जो टाइटल दिया है कंपाउंड इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस, ये उसी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से कोई आपके पास आया, कोई MLM मेंबर आया, और वो उस मेंबर ने आपको एक प्लान समझाया और प्लान आपने समझ लिया, अब आपकी मर्जी है उस प्लान को लें या ना लें, ठीक है ना। मान लिया आपने प्लान ले लिया, लेकिन आप ध्यान रखें आपकी मर्जी है कि आप प्लान लें या ना लें। अब इसमें होता क्या है, ये मेंबर बनाता है आगे, फिर ये मेंबर बनाते हैं आगे, इस तरह से ये मेंबर आगे बनाते हैं, ये चैन सीरीज रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, मतलब चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है इनके बीच में। तो एक मेंबर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसने एक मेंबर को कन्विंस किया, या आगे भी करेगा, ये दूसरे को भी करेगा, लेकिन एक से हम देखते हैं कितना, एक कंपाउंडिंग जब होती है किसी चीज़ की तो कितना बड़ा असर पड़ता है, आगे देखें आप। अब देखिएगा, इसमें अगर इसने दो मेंबर बनाए, जबकि औरों से भी मिलेगा, ये भी मिलेंगे औरों से, तो दो को लेके चलते हैं, दो दो बनाते हैं अगर सब, तब तो आगे बढ़ता जाता है, डबल होता जाता है। तो आप देखें ये जो है ना, एक बंदा कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है, 4 2 का 4 होगा 4 का 8 होगा 8 का आपका 16 होगा 16 का 32 होगा है नहीं 32 का 64 64 का 128 128 का कितना हो जाएगा 256, फिर 512, आगे होते होते आफ्टर वन मंथ ये पहुंच जाता है करोड़ों में। अगर हम ये कंपाउंड करते जाएं तो ये करोड़ों में पहुंच जाती है संख्या, एक महीने में सिर्फ, अगर हम डबल करते जाएं तो। ये बात हमने बताई सिर्फ एक पर्सन की। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो आपकी मर्जी है कि आप प्लान लें या ना लें, लेकिन ये ऐसा MLM है कि आपको कोई कहेगा नहीं लो या ना लो, और आपको यही नहीं पता होगा कि ये मेंबर कोरोना वायरस का ही है, मतलब आप अवेयर नहीं होंगे और आप मेंबर ही बन जाएंगे बिना अनुमति के, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब मेंबर बन गए हम। मतलब ऐसा है सिस्टम कि आपकी अवेयरनेस के बिना आप मेंबर बनते जाएंगे, आप दूसरों को मेंबर बनाते जाएंगे, और वो भी आपको नहीं पता होगा कि आप मेंबर बना भी रहे हैं। तो आगे चल के ये ऐसा खौफनाक मंजर पैदा कर सकता है जो इमेजिन नहीं कर सकते आप। इस वजह से, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज है, ये कम्युनिकेबल डिसीज है, आपके कांटेक्ट में आने से अगर दूसरे को है कोरोना वायरस तो आपका कांटेक्ट उससे हो गया तो आप में भी ट्रांसफर हो जाएगी। इसी वजह से आज जो गवर्नमेंट और जो सोशल वर्कर्स हैं और जो NGOs हैं, वो सारा क्यों ज़्यादा आपको जोर दे रहे हैं, है नहीं, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इस पर जोर इसी वजह से दिया जा रहा है क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत भयंकर हो सकता है। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, कंपाउंड इफेक्ट जो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 8वां अजूबा है। तो ये अजूबा इसमें अगर हो गया तो बहुत ही ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और पूरे वर्ल्ड को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझें आप। अगर हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो ये कुछ दिनों बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसे मौका देते हैं आगे बढ़ने का तो ये आगे बढ़ेगा ही, जैसे मैंने बताया था। और ध्यान रखिएगा, ये इसी तरह से काम करता है और ये आगे बढ़ता जाएगा। और अगर यहाँ हमने रोक दिया लॉकडाउन करके सब कुछ, तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, अगले दूसरे मेंबर नहीं बन पाएंगे, तो ये कुछ दिनों में यहीं तक सिमट के रह जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। यही एक जरिया है इससे निजात पाने का। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है इम्यूनिटी सिस्टम को अपना बेहतर करें। इसका इलाज अभी तक पूरी तरह से नहीं खोजा गया है, ना कोई इसका इलाज, अभी कोई वैक्सीन पैदा हुई है, इन्वेंट हुई है जिससे इसका इलाज किया जा सके। तो सबसे बेहतर है
कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप डाइट अच्छी ले सकते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट और आपके विटामिन्स, ठीक है ना। और ये सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बॉडी के लिए, रिक्वायरमेंट है, उसे आप सही मात्रा में लें जो रिक्वायरमेंट है। आप जो है तीन चीज़ें और ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, आधे गिलास में एलोवेरा, आंवला और गिलोय, ये दो दो रकम मिलाएं और गर्म पानी में हल्की वार्म वाटर में आप मिला के इसे डेली सुबह शाम लें। इससे क्या होगा, टॉक्सिन बाहर निकलेगा, टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकलेगा तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। बॉडी में टॉक्सिन होगा तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, जूस पिएँ ज़्यादा, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक जूस जो होती हैं वो ज़्यादा पिएँ, जैसे संतरे का है, मौसमी का है, ये जूस पी सकते हैं आप, ठीक है ना। और हो सके तो आप जो है कोकोनट वाटर जो होता है वो आप लें, अगर आपके पास ये सुविधा हो। इससे क्या होगा, इससे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी। बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है, जो वायरस है उसको लड़ने के लिए सेल्स होते हैं बॉडी में, जिसे हम कह सकते हैं ये थिंकिंग सेल्स होते हैं, जो फ्रेंडली सेल्स और अनफ्रेंडली सेल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और जो अनफ्रेंडली सेल्स होते हैं उनको ये ख़त्म कर देते हैं। ये होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम नथिंग एल्स बट दीज आर द थिंकिंग सेल्स। इम्यून सिस्टम लाइक अ थिंकिंग सेल्स। आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखें, जितना आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही इस वायरस से लड़ने की पावर आपके पास होगी। इससे बचाव का यही तरीका है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखें। एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि इस रूल्स का आप फॉलो करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए और इस वर्ल्ड के लिए। थैंक यू सो मच।